बुलेट मॉडिफिकेशन बॉय मिस्टर सेलेस में आपका स्वागत है। आज हम ये 500cc को कार्बोरेटर में मैंने कैसे कन्वर्ट किया है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल दूंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने जो इसका वायरिंग था वही रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ये 500cc का वायरिंग है और ये कार्बोरेटर हमने यहाँ डाला है और ये जो एडेप्टर है, ये जो एडेप्टर है जो इसमें टोटल बॉडी लगा हुआ था उसके आगे जो एडेप्टर आता है वही खोल के हमने वापस यहाँ पर फिट किया हुआ है। हम देख सकते हो ये सुजुकी एक्सेस का है, जो सुजुकी एक्सेस ओल्ड मॉडल आता था वहाँ जो अपने बैटरी का जहाँ लगती है उसमें जो कवर निकालते हैं वो वहाँ का ये रबड़ है। तो इसे मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया और ये यहाँ पर किस तरह से लग जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो प्लेट है ये थंडरबर्ड की है और ये फ्यूल कॉक है, ये क्लासिक का है। वैसे तो ये मैंने डाला है ये डिस्कवर का है, इसका थोड़ा कॉस्टली था इसके लिए मैंने ये डिस्कवर का डाल दिया, ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और स्पार्क प्लग भी मैंने चेंज किया है इसका। इसमें सब जो है वही है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, बस मैंने ये आइटमें चेंज की है। एक एक्सीलेटर वायर चेंज किया है, स्टैंडर्ड 500 का डाला हुआ है, ये मैंने चेंज किया हुआ है। तो चलो मैं आपको ये बाइक चालू करके दिखा देता हूँ, हम इसे ऑन करके दिखाता हूँ। हाँ ये चेक इंजन की लाइट वापस चालू ही रहेगी, बट इससे कोई इशू नहीं होता है। ये एक सेंसर में वायर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ लगा हुआ है और इंजेक्टर का वायर भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये कनेक्ट रहेगा तो ये आपका बाइक चालू होगा। तो चलिए देख सकते हो लाइट आ गया, इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तरह से आप 500cc को कार्बोरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने दिखाया इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर सैलेश। थैंक यू वेरी मच।